खाएगा। पद्मावती के होने का आपके पास क्या प्रूफ है? इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कब इतिहास के पन्नों में दर्ज है? 16,000 रानियों के साथ उन्होंने जोहर किया था। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इतिहास पढ़ते हैं, आप पढ़ चुके हैं इतिहास, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपने क्या पढ़ा है इतिहास में पद्मावती का? मैं केवल साफ तौर से ये कहना चाहता हूँ कि संजय लीला भंसाली जो केवल एक हैं, उनके विपक्ष में जो लाखों करोड़ों जनता खड़ी है, वो देखिए क्या वो इम्पोर्टेंट है? संजय लीला भंसाली इम्पोर्टेंट है इस देश के लिए? देखिए, इस देश में हर नागरिक इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका हाँ। जैसे ये जरूरत नहीं है, ये इस तमाशे की जरूरत नहीं है, तलवार वलवार निकाल के रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं धीरज सिंह? आप देखिए, बात आएगी। देखिए, राजपूतों के स्वाभिमान की मैं भी आदर करता हूं, लेकिन आप जो कर रहे हैं, आप जो अभी कर रहे हैं ये तमाशा है और कुछ नहीं। नहीं, दीपिका पादुकोण ने क्या ये सम्मान नहीं है? देखिए, म्यान में से तलवार किसी राजपूत की आन की रक्षा के लिए तब निकलती है जब उनके आन पर चोट पहुंचे। मैं नहीं सर, हमारी आन पे चोट पहुंची है, तभी हमने तलवार बाहर निकाली। देखिए कहाँ पहुंची है आपकी आन? नहीं, दीपिका पादुकोण खुलेआम बोल रही है पिक्चर रिलीज होगी, कोई रोक नहीं सकता। तो क्या वो प्रधानमंत्री से बड़ी है? अगर क्या सेंसर बोर्ड से बड़ी है वो? देखिए, अगर सेंसर बोर्ड और सरकार कहे कि ये पिक्चर में कुछ गलत नहीं दर्शाया गया, इसको रिलीज होना चाहिए, तो वो क्या गलत कह रही है? वो अपने विश्वास की बात कर रही है। क्या विश्वास होना चाहिए? क्या आप पद्मावती की तुलना उस भांड दीपिका पादुकोण से कर रहे हैं? देखिए, आप अपनी जबान पर थोड़ा जबान हमारी खराब नहीं है राजपूत, आपकी आप अपनी जबान ऐसी बिरादरी है जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा गौरवशाली इतिहास वाली राजपूत समाज है। आपकी बात सुनना चाहता हूं, लेकिन आप अपनी जुबान को लगाम दें। आपको किसी को गाली देने का बिल्कुल शोभा नहीं देता। उन्होंने दीपिका पादुकोण ने जो बोला है वो राजपूत समाज के लिए गाली है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उनको उम्मीद है कि ये फिल्म रिलीज होगी, उन्होंने सिर्फ यही कहा है। राजपूत समाज उन्होंने फिल्म को रिलीज नहीं होने देगा के बारे में नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी औरत की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं तो आपको इस पिक्चर को देखना चाहिए। किस औरत की बात कर रहे हैं? दीपिका पादुकोण की तुलना हमारी माँ देवी पद्मावती से कर रहे हैं? कोई भी हो, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ जी, लाखों करोड़ों जनता सड़कों पर उतर आई है, चाहे मोदी जी उनके रक्षक भी बन जाएं, क्षत्रिय समाज चुप नहीं बैठेगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा की तरफ से दीपिका पादुकोण को और संजय लीला भंसाली को या तो देश छोड़कर चले जाएं, अन्यथा उनका सर कलम करने वालों को 5 करोड़ का इनाम अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा देगी। आप मेरठ में रहते हैं ना? बिल्कुल। हाँ, तो ये 5 करोड़ रुपए खर्च करने का आपको कोई और जरिया नहीं मिला? नहीं, अपने अपने मेरठ धर्म में, के लिए मेरठ में शूरवीरों की मेरठ क्रांतिकारी धरा है। मेरठ में कम से कम 50 स्कूलों की कमी है जहां महिलाओं को शिक्षा मिलने के किसी को ये आजादी नहीं है। इन 5 करोड़ों का आप महान किसी को ये आजादी नहीं है तो आपको फायदा नहीं। किसी को ये आजादी नहीं है कि कोई हमारे धर्म से खिलवाड़ करे, हमारी आन बान शान से खिलवाड़ करे। आजादी है तो देश छोड़कर चले जाए। आपको ये आजादी है कि आप देखिए नाम किसी का भी सर कलम। मैं देश के सामने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको कोई सूली पर चढ़ा दे, ना मैं मोदी जी से डरने वाला हूँ। पद्मावती मोदी जी, ना मैं आपसे डरता हूँ, ना संजय लीला भंसाली से डरता हूँ, ना दीपिका पादुकोण से। आपको देश छोड़ना ही होगा। 5 लोगों को